पंडित नीलकंठ दास ओडिशार जड़े विस्मयकर प्रतिभा से एकाधारे जड़े बाग्मी शिक्षाविद कवि समीक्षक प्रावंथिक स्वाधीनता संग्रामी शिशु साहित्यिक व्यवस्थापक और राजनेता अर्ध शताब्दी अधिक समय धरी ओडिशार सामाजिक राजनैतिक सांस्कृतिक और साहित्यिक जीवन को समृद्ध करिथिले पंडित नीलकंठ ओडिशार ही परपुत्र 1884 मसीहा अगस्ट 5 तारिखें पुरी जिला साखीगोपाल जन्मग्रहण करते पिलाबेलु भितर प्रतिभा जनापड़ा पंडित नीलकंठ दास जड़े मेधावी छात्र थे भर्णाकुलार परीक्षा ठार आरंभ कर रेभेन्सा कलेजर बीए परीक्षा पर्यंत से ओडिशार प्रथम हो आसिक वृत्ति पाई कलिकता विश्वविद्यालय दर्शनशास्त्र में स्नातकोत्तर हासिल करते सेतेबेले तहारा मान खूब अधिक थिबारु तांकु फिरिंगी सरकार अधीन अनेक उच्च वेतनयुक्त चाकरी मिलता किंतु तांकर लक्ष्य थिला भिन्न पंडित गोपबंधु आचार्य हरिहर आदि मिसी 1909 मसीह सत्यवादी बकुल वन में प्रतिष्ठा करते सत्यवादी वन विद्यालय ओडिशार शिक्षार प्रसार लक्ष्य प्रतिष्ठित यह अनुष्ठान प्रधान शिक्षक रही से आदर्श विद्यालय रूपे गढ़ी तोली परवर्ती समय विद्यालयटी शिक्षा सेवा समाज संस्कार और स्वाधीनता आंदोलन प्राणकेन्द्र पलटि नीलकंठ दास थिले आजन्म विप्लवी और संस्कारवाद छुआ अछुआ भेदभाव और विभिन्न सामाजिक कुसंस्कार को नीलकंठ घोर विरोध करुथिले अगाध ज्ञान पाई तांकु जीवंत ज्ञानकोश बोली कहुथिला नीलकंठ स्वाधीनता आंदोलन में जोगदे बहुबार कारावरण करिथिले ओडिया को स्वतंत्र भाषार मर्यादा मिलिबारे तांकर भूमिका गुरुत्वपूर्ण थी से दुईथर ओडिशा प्रदेश कंग्रेस सभापति होते पर दल छाड़ी 1955 जवाहरलाल नेहरू अनुरोध क्रमे पुणी कंग्रेस जोगदे सत्यवादी आसन निर्वाचित हो विधानसभा बाचस्पति होते एकदा राज्य कंग्रेस शीर्ष दायित्व बहन कर पंडित नीलकंठ दास परवर्ती समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर विचारधारा प्रति आकर्षित होते एपरिकी संघ मुख्यालय महाराष्ट्र नागपुर में अनुष्ठित विजयादशमी उत्सव में अध्यक्ष भाव जोगदे पंडित नीलकंठ सेठारे श्री गुरुजी भाव परिचित डॉक्टर माधव राव सदाशिव राव गोलवालकर भाषण शुणा पर संघ सह निविड़ता बढ़ी परवर्ती काल में ओडिशार संघ कार्यर विस्तार योगदान उल्लेखनीय थिला पंडित नीलकंठ नवगठित ओडिशा साहित्य एकाडेमी प्रथम सभापति थे कविता प्रबंध शिशु साहित्य और सांबादिकता क्षेत्र में भू अवदान छाड़ पंडित नीलकंठ कोणार्क खारवेल मायादेवी पिलांक रामायण पिलांक महाभारत पिलांक भागवत आदि तांकर कालजयी कृति 1960 पद्मभूषण से सम्मानित कर 1967 नवेम्बर 6 तारीख में यह महान विभूति परलोक घटी भाषा शिक्षा साहित्य समाज संस्कार क्षेत्र में अवदान पाई ओडिया जातिर चिरवंदनीय हो रहिबे पंडित नीलकंठ दास पुण्यतिथि अवसर में यह स्वाभिमानी राष्ट्र नीतिज्ञ को अर्गस न्यूज़ गभीर श्रद्धांजलि।